हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको महाराष्ट्र की फेमस कांदी भजी की रेसिपी देने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। भजी बनाने के लिए हमें बेसन यानी ग्राम फ्लोर चाहिए लगभग 2 कटोरी, 4 से 5 मीडियम साइज के चॉप्ड अनियन जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है पतला पतला ऐसे, लहसुन का दरदरा पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च चॉप्ड ये चाहिए हमें 3 टेबलस्पून, ये तेज वाली हरी मिर्च है, करी पत्ता चॉप्ड ये चाहिए 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून सोडा खाने का, नमक स्वादानुसार, हींग चाहिए हमें 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा यानी क्यूमिन सीड ये चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, चॉप्ड हरा धनिया आवश्यकतानुसार, ऑयल भी हमें आवश्यकतानुसार यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेसन में हम लहसुन, हरी मिर्च, खाने का सोडा और नमक मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब इसका हमें एकदम थिक पेस्ट बना लेना है। अब आप देख सकते हैं एकदम थिक ऐसा पेस्ट मैंने बना लिया है और इसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भीगने देना है ताकि हमारे भजे एकदम सॉफ्ट आए। 10 मिनट हो चुके हैं और बेसन भी थोड़ा पानी छोड़ दिया है बेसन में, मतलब ये अच्छे से भीग चुका है। और इधर मैंने कढ़ी भी चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो जाता है तब तक हम बेसन में बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है, एकदम पतली पतली साइज स्लाइस होना चाहिए पैच की, चॉप्ड करी लीव्स, जीरा, अजवाइन, हींग पाउडर, चॉप्ड हरा धनिया। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा ऑयल भी इधर गरम हो चुका है। ये गरम किया हुआ ऑयल इसमें हम डालेंगे, लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल हमें इसमें डालना है। इससे हमारे कांदी भजी जो है एकदम क्रंची सॉफ्ट टेस्टी लगेंगे। ऑयल को मिक्स करने के पहले मैं पानी में अपने हाथ को डिप करूँगी, देन आई हैव टू मिक्स विथ माई हैंड, क्योंकि हम जब तक इसे हाथ से अच्छी मसाज नहीं करेंगे ना तब तक वो मतलब उसकी ये नहीं होगी, मतलब मिक्स नहीं होगा अच्छे से परफेक्ट प्रॉपरली। वो करने के लिए हमें इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। हमारा जो पेस्ट है इसकी अच्छे से मसाज हो चुकी है, ऑयल भी अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कांदी भजी छोड़ रही हूँ। अब हमारे कांदी भजे जो है ना लाइट गोल्डन कलर ले चुके हैं, तो मतलब ये परफेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसे ऑयल से निकालते समय इसका ऑयल ज्यादा से ज्यादा हमें निथारना है, इस चीज का ध्यान रखें। तैयार है इस तरीके से हमारी कांदी भजी। महाराष्ट्र की फेमस डिश है ये, बहुत टेस्टी लगती है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।